दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। सोलन में पावर हाउस के पास लगी आग, आसपास के घरों को खतरा। कंडा घाट के कोट गांव में गौशाला राख, मुश्किल से बचाए पशु, भारी नुकसान। पांवटा साहिब में नशे पर बड़ी चोट, ट्रक से पकड़ा गया भारी मात्रा में चूरा पोस्त, दो लोग गिरफ्तार। ऊना के हालात बिल्कुल ठीक, विपक्ष बंद करें राजनीति। कंडा घाट में टीका उत्सव का आगाज, 10 सेंटरों में लगाई जा रही कोरोना डोज। अरब समाचार विस्तार से। सोलन के सपरून स्थित पावर हाउस के समीप अचानक आग लगने से डर का माहौल बन गया है। लोगों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई है। टीम द्वारा आग पर काबू पाने का कार्य किया जा रहा है। बता दें कि इस पावर हाउस के साथ काफी घर भी हैं, जिससे घरों में आग लगने का खतरा भी बना हुआ है। लोग काफी डरे हुए हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। सोलन जिला के कंडा घाट की ग्राम पंचायत कवारक के कोट गांव में गौशाला में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरी गौशाला राख में तब्दील हो गई। समय रहते इस गौशाला में बंद चार पशुओं को बाहर न निकालते तो ये पशु भी आग की भेंट चढ़ सकते थे। इस आगजनी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसा रविवार सुबह करीब 10 बजे के करीब पेश आया। वहीं SDM कंडा घाट डॉक्टर विकास सूद ने कहा कि आगजनी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है व मौके पर नुकसान का आकलन किया जा रहा है। पांवटा साहिब के धौला कुआं में पुलिस टीम ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 844 किलोग्राम चूरा पोस्त के साथ दो लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर पांवटा DSP वीर बहादुर की अगुवाई में एक टीम का गठन किया गया और इस दौरान उन्होंने माजरा पुलिस के साथ धौला कुआं में नेशनल हाईवे पर एक ट्रक से 844 किलो 200 ग्राम चूरा पोस्त बरामद किया। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है। थाना माजरा ने पिछले कल शाम को नाका लगाया था और उस नाके में उन्होंने इन्फॉर्मेशन के आधार पर एक ट्रक से 844 किलोग्राम भुक्की बरामद की है और इसमें NDPS के तहत केस दिया गया है और दो इसमें एक ड्राइवर और उसके आधे क्लीनर मौजूद थे, उनको हिरासत में लिया है। अभी पूछताछ जारी है, जैसे ही फर्दर हमें और जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसी हिसाब से फर्दर कार्रवाई हम मिलाएंगे। वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने नेता विपक्ष द्वारा ऊना जिला को अपराध की राजधानी कहने पर पलटवार किया है। सत्ती ने कहा कि बेशक पिछले कुछ दिनों में ऊना में कुछ आपराधिक घटनाएं हुई हैं जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उस पर इस तरह से टिप्पणी करना निंदनीय है। सत्ती ने कहा कि यह समाज के अंदर आ रही विकृति का प्रमाण है। वहीं सत्ती ने पालमपुर और सोलन नगर निगम चुनाव में हार पर मंथन की बात कही और 2022 में भाजपा की सरकार रिपीट होने का भी दावा किया। ऊना जिला में पिछले दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है, वो चाहे नंगड़ा की हो, बीत एरिया में मुकेश अग्निहोत्री जी के एरिया में गोली चलने की बात हो, या फिर एक साधु के द्वारा एक नौजवान बच्ची की हत्या की बात हो, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं जिसको मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टि से नहीं हम लोगों को देखना चाहिए। ये समाज के अंदर आ रही विकृति का परिणाम है कि जो नंगड़ा की घटना हुई, जमीन की लड़ाई के चक्कर में लोगों ने दूसरे को गोली मार दी और एक सैनिक को बेचारे को शहीद कर दिया। इसी तरह से बीत एरिया में जो बहुत ही लंबे समय से पूर्व उद्योग मंत्री जी के समय से मशहूर एरिया रहा है, अपराध की राजधानी उसको कहा जा सकता है, जहां चिट्टे से 18 लोग मरे थे, जहां पर माइनिंग का पूरा खजाना मुकेश अग्निहोत्री के टाइम पर लुटाया गया था, आज लोगों को आदत पड़ गई है इसी तरह से। क्योंकि जब एक बार आदत पड़ जाती है लोगों को खुले खेल की, तो भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में कोशिश की है और काफ़ी हद तक कंट्रोल भी किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर देश भर में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को तेज करने के लिए रविवार से 4 दिनों तक चलने वाला टीका उत्सव का आगाज हो गया है। इस कड़ी में उपमंडल कंडाघाट में इस उत्सव को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। 11 से 14 अप्रैल तक चल रहे इस टीका उत्सव का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभार्थियों का टीकाकरण करना है। रविवार को टीका उत्सव को लेकर क्षेत्र के लोगों ने भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए वैक्सीन सेंटरों में पहुंचकर वैक्सीन की डोज ली।